हाय एवरीवन, वेलकम टू निरोग टुडे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत ही उपयोगी औषधि प्लांट के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह औषधि पौधा आपको हर जगह मिल जाएगा, यहां तक कि यह आपको गांव में, शहर के आसपास, रोड के अगल बगल, आपको गांव में, खेत खलिहानों में, जंगलों में, पथरीली जगह में भी यह करीब 4 से 5 हज़ार ऊंचाई पर भी यह दिखाई दे जाएगा। यह औषधि पौधा आप जो देख रहे हैं, इसे परदेसी लांगली, कमर तोड़, देसी संजीवनी, मुरिया, पत्थरचूर, पत्थरफोड़, संजीवनी बूटी आदि कई नामों से इसे जाना जाता है। इसका जो वनस्पति नेम है ट्राइडेक्स प्रोक्यूबिनेस है। इसकी फैमिली जो होती है एस्टेरेसी है। इसे इंग्लिश में भी मैक्सिकन देसी भी कहा जाता है। यह पौधा समस्त भारत में पाया जाता है, पथरी जगह पर भी है, खेत खलिहानों में भी आपको मिल जाएगा। यह वैसे तो यह खतपतवार के रूप में, यह भिंगराज की तरह ही दिखने वाला है पौधा है परदेसी लांगली। यह बहुत ही उपयोगी औषधि प्लांट है। यह 60 सेंटीमीटर ऊँचा, इसके पत्ते अंडाकार, जैसा कि आप देख रहे हैं 2 से 7 सेंटीमीटर होते हैं, लंबे होते हैं। इसमें 1 से 3 सेमी चौड़े भी होते हैं। इसके पुष्प जो आप देख रहे हैं छोटे पीले रंग के होते हैं, इसकी पहचान यही है। इसको जो आप फूल देख रहे हैं छोटे छोटे पीले रंग के होते हैं। इसकी पत्तियां जो होती हैं थोड़ा चौड़ी लंबी होती हैं। यह बहुत ही उपयोगी औषधि पौधा। यह कैंसर रोग में, प्रमेह रोग, बालों के लिए, त्वचा रोग, कमर दर्द आदि जैसे समस्त रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप ये देख रहे हैं, यह बहुत ही उपयोगी औषधि प्लांट है जो आपको हर जगह मिल जाएगी। अभी तक आपने इसके बारे में नहीं जाना पहचाना तो आप देख लीजिए, इसकी पहचान आप कर लीजिए। चलिए आज इसके जो लाभ हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। बवासीर में जानते हैं कि बवासीर भी एक भयंकर बीमारी है जिससे हर कोई लोग परेशान है। इसके लिए यह जैसे कि उसमें दाने निकल आते हैं बवासीर में, तो बहुत दर्द होता है मस्सों में। इसके पत्तों को और कलियों को हम अगर पीस कर मस्सों पर अगर लगाते हैं तो बवासीर में जो दाने निकल आए हैं वो दाने झड़ जाएंगे और उस दर्द में आराम मिलेगा। शरीर में कहीं भी घाव हो गया है उसके लिए आप परेशान हैं, इस परदेसी लांगली के पौधे के क्या करेंगे, रस को निकाल कर उसमें हल्दी और थोड़ा शहद मिलाकर अगर घाव वाली जगह पर लगाते हैं तो जो घाव हो गया है वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा और आपको उससे आराम मिलेगा। बालों के लिए भी यह बहुत ही वरदान है, क्योंकि यह भिंगराज की ही तरह दिखने वाला प्लांट है तो उसके कुछ गुण इसमें भी हैं, तो बालों में यह बहुत ही उपयोगी है। इसका जब क्या करेंगे, हम पंचांग बना कर लेंगे। इसका पंचांग आप जानते हैं, इसके फूल, फल, पत्ती, जड़, तना सभी को हम लेकर क्या करेंगे, सुखा कर उसको क्या करेंगे छाया में, उसका हम पंचांग बना लेंगे। पंचांग बना के उसको क्या करेंगे, सरसों का तेल ले लेंगे। जैसे इसका 250 ग्राम मात्रा लिए तो 250 ग्राम इसमें तेल ले लेंगे, सरसों का तेल मिलाकर क्या करेंगे, धीमी आंच पर हम उसको धीरे धीरे पकाएंगे। जब पकते पकते काला रंग हो जाएगा उसको हम क्या करेंगे, उसका रंग जब बदल जाएगा उसको हम तेल को हम क्या करेंगे, छान कर शीशी में भर कर रख लेंगे। और रोज़ रात को अगर बाल में लगाते हैं तो जो बाल आपके काले, मुलायम, घने, रूसी जो हो गए हैं उसमें भी यह खत्म कर देता है। यह बहुत ही उपयोगी औषधि प्लांट है, बालों के लिए भी इसका यह विशेष इसका गुण है। उदर रोग, जितने भी उदर रोग संबंधी तमाम समस्याएं हैं पेट में, इसके पत्तों का क्या करेंगे, रस 102 चम्मच रस निकाल कर अगर सुबह शाम खाली पेट अगर लेते हैं तो उदर विकारों में जितनी भी समस्याएँ हैं उसमें काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। शरीर से अगर रक्त निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, वो बंद नहीं हो। ज़्यादातर जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, क्या करते हैं, काम करते हैं खेतों में, खलिहानों में, तो उस वक्त यह जाता है कि उनके पैरों या खेतों में कुछ ऐसे चीज़ गड़ जाती हैं या लोहा लग जाता है तो ब्लड बहुत ज़्यादा निकलता है। उससे क्या होता है कि अगर ब्लड नहीं बंद हो गया, क्योंकि कुछ भी अगर लोहे की चीज़ अगर लग गया तो क्या होता है, उससे क्या होता है, इन्फेक्शन हो सकता है और कैंसर भी हो सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके जो पत्तों का अगर रस निकाल कर जहाँ से रक्त ब्लड निकल रहा है अगर उस जगह इसका रस अगर लगा देते हैं तो जो ब्लड आ रहा है
वह क्या हो जाएगा, ब्लड आना रुक जाएगा। यह इसका एक बहुत ही उपयोगी गुण है। अगर कहीं भी अगर कट जाए, घाव हो गया, तो पत्तों का रस लगाने से वह रक्त आना बंद हो जाता है। कमर दर्द, जिसे सब जानते हैं, इसका कमर तोड़ भी नाम है कमर, तो कमर दर्द में भी यह बहुत ही उपयोगी इसका उपयोग है। इसके पंचांग को हम क्या करेंगे, इसके पंचांग को हम पाउडर बनाकर उसमें क्या करेंगे, लहसुन की 3 से 4 कलियाँ और मेथी का पाउडर, थोड़ा मेथी ले लेंगे, उसको पीसकर उसका पाउडर बना लेंगे 2 से 4 ग्राम, तथा उसमें क्या करेंगे, सरसों का तेल मिलाकर अगर पकाते हैं, पकाकर फिर उसको क्या करेंगे, ठंडा होकर छान कर हम शीशी में रख लेंगे, और उसे रोज़ कमर पर अगर लगाते हैं तो कमर दर्द में जितनी भी कमर में दर्द हो रहा है, असहनीय पीड़ा हो रही है, अगर इसका इसका प्रयोग करते हैं तो उस दर्द में यह काफ़ी अत्यंत लाभदायक लाभ प्राप्त होगा आपको। प्रमेह रोग, धात रोग, नपुंसकता, स्पर्म काउंट, स्पर्म कम हो गए हैं, जितनी भी समस्याएं हैं पुरुषों में, यह ज़्यादातर आज हर किसी को इसमें, हर कोई इससे परेशान है, हर कोई इसमें से कितनी तमाम जैसी दवाइयां वह लगाता है और प्रयोग कर रहा है, वो जाके महंगी महंगी दवाइयां खा रहा है, उससे क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट भी हो रहा है और उसमें आराम भी नहीं मिल रहा है, हम लोग आज उससे परेशान भी हैं। अगर हम इस देसी घरेलू उपाय को अगर प्रयोग किया जाए, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा और यह धीरे धीरे यह जड़ से ख़त्म कर देगा। यह इसका एक बहुत ही उपयोगी औषधि प्रयोग है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका जो आप पंचांग देख रहे हैं, इसका हम पांचों भाग क्या करेंगे, उसको लेकर छाया में क्या करेंगे, सुखा लेंगे, सुखा कर उसको क्या करेंगे, उसका पाउडर बनाकर पाउडर बना लेंगे, और उसकी बराबर मात्रा में क्या करेंगे, मिश्री ले लेंगे, मिश्री को हम पाउडर बनाकर रख लेंगे, और दोनों को मिक्स करके जैसे 5 से 6 ग्राम लेके सुबह शाम खाली पेट अगर प्रयोग करते हैं, तो जो धात रोग है, नपुंसकता है, इस पर में जो आपको धीरे धीरे कम हो गए हैं, अगर लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि बहुत ही उपयोगी औषधि इसका प्रयोग होगा, और जितनी भी सारी समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, उसमें यह बहुत ही उपयोगी होगा। तो इसका यह एक बहुत ही इसका उपयोगी औषधि गुण था जो मैंने बताया। तो चलिए मिलते हैं एक और ही औषधि प्लांट के रूप में लेके नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और हुई उपयोगी औषधि प्लांट के रूप में। तब तक के लिए बाय बाय।